आजकल के आप जितने भी स्मार्टफोन लेते होंगे, स्मार्टफोन पे एक ऑलरेडी आपको एक फीचर देखने को मिलती है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एक्चुअली उस फीचर का क्या क्या यूज़ है, नहीं यूज़ है, सारे मैं बताऊंगा। तो आपने डिजिटल वेलबिंग का नाम सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना हो तो जानकर रख लीजिए। आजकल के जितने भी स्मार्टफोन है, जो भी स्मार्टफोन आप परचेज करोगे उसमें डिजिटल वेलबिंग नाम का एक सेटिंग जरूर रहता है। वो सेटिंग के अंदर मिलेगा, उसके लिए कुछ अलग से पर्सनल ऐप नहीं रहता है। तो एक्चुअली डिजिटल वेलबिंग काम क्या करता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और कितनी ज़्यादा वो आपके स्मार्टफोन के लिए फायदेमंद हो सकती है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया तो इस वीडियो के बाद आप उसे ज़रूर यूज़ करोगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली डिजिटल वेलबिंग है क्या और किस तरह से डिजिटल वेलबिंग को हम यूज़ करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डी2 के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो चलिए फटाफट हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे जाते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे जाने के बाद डिजिटल वेलबिंग के बारे में सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से डिजिटल वेलबिंग हम लोग यूज़ करते हैं। आपको सिंपली सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद जरूरी आपको सर्च करना है डिजिटल वेलबिंग। देखिए डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल आ चुका है, जस्ट इसको आपको क्लिक करना है। ये हर किसी मोबाइल में अभी दे रहा है, अगर आपका लेटेस्ट मोबाइल है तो इसमें आपको ऑलरेडी मिलेगी। इसमें सबसे पहले आपको जो डिस्प्ले हो रही है वो देखिए, आपने किस ऐप में कितनी ज़्यादा टाइम इसमें दिया है, सबसे पहली बात वो हो रही है। तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। जैसे कि आप देख पा रहे, मेरा यूट्यूब में मैंने ज़्यादा टाइम दिया, व्हाट्सएप में मेरा इतना टाइम है, ओपन कैमरा है मेरा इतना, फेस पे मेरा इतना, यानी फेसबुक पे रहता हूँ, आईटी स्टूडियो कैमरा अदर्स इतना है। टुडे का 26 मिनट्स तक मैंने आज इस मोबाइल को यूज़ किया। इसमें से देखिए जो दिखा रहा, नेक्स्ट 5 अनलॉक्स एंड 31 नोटिफिकेशंस, मतलब कि मैंने मोबाइल को 5 बार अनलॉक किया है और 31 बार नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पर आया है तब मैंने इसे अनलॉक किया है। ये सारी चीज़ें अब यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई मिल रही है डैशबोर्ड। तो जैसे आप डैशबोर्ड को क्लिक करते हो, यहाँ आप एक स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हो। जी हाँ, कि हर ऐप के लिए आप कितनी टाइमिंग सेट करोगे। जैसे आप YouTube अगर ज़्यादा देखते हो तो इसके लिए आप यहाँ पर एक क्लिक करके टाइमिंग सेट करते हो, तो इतने देर तक YouTube देखेगा, उसके बाद क्या होगा, YouTube से ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगी कि आपने जो टाइम सेट किया था टाइम आपके कंप्लीट हो चुकी है। ये सारी जितना भी ऐप्स है सारे ऐप्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। सारे ऐप्स में क्या कर सकते हो, आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। देख पा रहे आपने सारे ऐप यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपने जैसे इस साइड का जो ये क्लॉक टाइप का है, जो पुराने ज़माने की क्लॉक रहती थी जिसे हम लोग रेत घड़ी बोलते थे, उसी तरफ का दिया है। इसी में से आप टाइम सेट कर सकते हो हर एक ऐप के लिए। सबसे पहला बात ये है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ आप देखिए स्क्रीन टाइम आपको दिखा रहा है, 27 मिनट्स तक आपका क्या हुआ, स्क्रीन रेगुलर ऑन रहा है, यानी कि टोटल ये कैलकुलेट करके बताता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइंड डाउन। ये वाइंड डाउन पर जैसे आप क्लिक करोगे, इसको जैसे आप ऑन करोगे, तो ऑन करने के बाद क्या होगा, देखिए आपका एक वाइंड डाउन आएगा। वाइंड डाउन मतलब एक्चुअली हो क्या रहा, तो इस जगह पर अच्छे से समझिए। जैसे कि आपका 11 बजे से मोबाइल स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे देखिए मेरे पर स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है 23, यानी कि रात 11 बजे से लेकर वाइंड डाउन जो है मेरा रात 11 बजे ऑटोमेटिक वाइंड डाउन हो जाएगी। वाइंड डाउन होगी मतलब क्या होगी, स्क्रीन की लाइट वगैरह टोटल कम हो जाएगी, ऐप्स वगैरह बंद हो जाएगी, यानी कि अब आपको मोबाइल को रख देने बोलेगी। मोबाइल से ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका वाइंड डाउन स्टार्ट हो चुका है, आप मोबाइल को रख दीजिए। तो आप 11 बजे मेरा टाइमिंग सेट किया हुआ, तो 11 बजे मैंने मोबाइल को रख दिया और सुबह 7 बजे तक मेरे मोबाइल पूरी वाइंड डाउन रहेगी। ये चीज़ आप जान के रखिए, यानी कि 7 बजे तक क्या होगी, ऐप्स वगैरह ओपन नहीं होगी, ऑटोमेटिक वाइंड डाउन करके रख लेगी और इसके 7 बजे के बाद फिर से वाइंड डाउन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये चीज़ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये एक ऑप्शन हो गया वाइंड डाउन का। सारा चीज़ आपको इसका डिजिटल वेलबिंग में ही मिल रहा है। यहाँ पर आपको फिर मिलता है मैनेज नोटिफिकेशन का। यहाँ से आप चाहे तो बहुत सारे जो भी आप जान रहे, जो इससे ज़्यादा मेरा नोटिफिकेशन आता है, मेरा डिस्टर्बेंस होता है, तो उस ऐप को आप यहाँ से बंद कर सकते हो नोटिफिकेशन। जैसे मान के चलिए आपको चाहिए जो क्रोम से नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो बंद हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलो नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ, इसको जरूरी आप अगर ऑफ कर दोगे तो नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब इस क्रोम ऐप से आप नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी, जो कि बहुत बेहतरीन है। या तो आप मोड को भी चेंज कर सकते हो, देखिए फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है या लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं, जो भी ऐप में आपको चाहिए, जो नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है आपकी डू नॉट डिस्टर्ब का। डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ सकती है, इसको शेड्यूल टर्न ऑन भी कर सकते हैं। मान के चलिए आप कुछ इमरजेंसी काम कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आप इसको शेड्यूल टर्न ऑन कर दीजिए, एक टाइमिंग रख दीजिए, इतना से इतना बजे तक क्या होगा, मेरा DND लगा रहना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब। इसका मतलब क्या होगी, कॉल्स नहीं आना चाहिए आपका, मैसेज नहीं आएगी, और ये क्या होगी, इसमें से आप सेट भी कर सकते हो। मान के चलिए अगर कोई आपका पर्सनल कॉल है, उसको आपको अटेंड करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट कॉल है, तो आप इसको अलाउ कॉल्स फ्रॉम यहाँ से कर सकते हो, जो किसको आप यहाँ पर अलाउ करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। साथ ही साथ इसको मैनुअली आप सेट कर सकते हो। जैसे आपको अभी आपको चाहिए DND लगाना, तो जैसे मैंने ऑन कर दिया, आप ऊपर देख पा रहे हैं एक DND का छाप आ चुका है। फिर इसको मैं क्लोज करता हूँ, देखिए वो हट जाएगा, देख पा रहे हो आ चुका है, फिर हट जाएगा। ये सारी चीज़ें
होती है डीएनडी का फीचर्स। ये थी वेल्बिंग, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं पेरेंटल कंट्रोल में। आप नीचे देख पा रहे हैं पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने को एक मिल जाती है। तो एक्चुअली ये पेरेंटल कंट्रोल है क्या, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऐप्स को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप जो जो ऐप्स को अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं बस वही ऐप्स को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अदर आप कोई भी एप्लीकेशन को आपका जो बच्चे चाहेगा नहीं देख सकता है। तो इसके लिए आपको सेटअप पेरेंटल कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके सामने पेरेंट कंट्रोल सेटअप करता हूँ। सेटअप कर दिया मैंने, यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर आ जाएगा गूगल फैमिली लिंक। सबसे पहले देखिए सुपरवाइज द फोन रिमोटली विद द फैमिली लिंक ऐप फॉर पेरेंट्स, ठीक है। जो भी आपका एक ऐप आएगा इसके थ्रू आउट, उस ऐप के थ्रू आप उस पूरे देख सकते हो जो आपके बच्चे मोबाइल पे क्या क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। यहाँ चलिए गेट स्टार्ट करते हैं। ओके, नेट मेरा ऑफ है तो चलिए पहले नेट ऑन कर लेता हूँ। अब मैं गेट स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ रहा, हु विल बी यूजिंग दिस डिवाइस, इस डिवाइस को कौन यूज़ करेगा, बच्चे यूज़ करेंगे या फिर आप यूज़ करोगे, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए बच्चे लोग को लिए सेट करो, ठीक है। पेरेंट्स के लिए मैं बाद में दिखाऊंगा, एक्चुअली बच्चे लोग के लिए, तो चाइल्ड और टीन के लिए सेट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक गूगल में फैमिली ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपका लिखा हुआ लिंक योर चाइल्ड्स गूगल अकाउंट विथ योर ओन इन गूगल फैमिली ग्रुप। जो भी आपका गूगल फैमिली ग्रुप है उसमें से आपको ऐड कीजिए, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। चलिए नेक्स्ट करता हूँ मैं, देखा जाए क्या ऑप्शन आती है। एक्चुअली मैं भी पहली बार इसे सेट कर रहा हूँ, बस मुझे जनरली पता था कि ऐसा होता है। एक्चुअली अब क्या है देखा जाए, आप यहाँ पर देखिए आपका चाइल्ड्स गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने को आ रहा है, यानी कि कोई भी अकाउंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके बच्चे यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारा मेरे ही अकाउंट है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से क्या होगी, वो अकाउंट साइन आउट हो जाएगी, यानी कि जो बच्चे के अकाउंट थे वो हट गया। यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ से आपको पेरेंट अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। चलिए मैं लिंक कर ही लेता हूँ, आपको पूरा क्लियर मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली है कि एक्चुअली यहाँ पर लिंक नहीं हो रही है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे कुछ अकाउंट जो है आपको एक दूसरा मोबाइल सेम टू सेम ऐसा मोबाइल रहना पड़ेगा। तो एक मोबाइल आपको सेट कर देना पड़ेगा बच्चे के लिए और दूसरा मोबाइल आपको सेट कर दिया। जैसे मान के चलिए आप अगर बच्चों को मोबाइल देना चाहते हो तो फिर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बच्चों को जो भी मोबाइल दिया आप उसमें पेरेंटल कंट्रोल रख ऑन करके रख दिए, और आपको जो नेक्स्ट अकाउंट है उसमें आपने अपना जो खुद का है पेरेंट अकाउंट उसको आप यहाँ पर साइन इन कर दिए, तो उस अकाउंट से आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल अभी मेरा एक ही अकाउंट पर दोनों कर रहे हैं जिस कारण ये नहीं ले रही है, बट अगर आपके पास दो अलग अलग मोबाइल है तो आप इसे आराम से कर सकते हो। तो देखा आपने, ये है कुछ डिजिटल वेलबिंग का फ़ायदा, जो कि डिजिटल वेलबिंग के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, जितने भी मैंने वीडियो में बताया। साथ ही साथ इसका जो पेरेंटल कंट्रोल है, पेरेंट कंट्रोल, वो मुझे बहुत बेहतरीन लगी, क्योंकि अगर आप बच्चों को आजकल मोबाइल देते हो तो पता है आपको बच्चे बहुत कुछ इधर उधर देखते रहते हैं, तो उसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसी रिलेटेड आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ, आप में से बहुत कोई है जो चैनल को देखते हैं सिर्फ सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, तो फटाफट से रेड कलर का जो बटन उसको दाब के सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।